प्यारे विद्यार्थियों, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कैसे हम सिमेट्री यूज करके बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कौन से दो तरीके की होती है सिमेट्री इन द सर्किट्स? तो सिमेट्री होती है दो तरह की, यानी हम दो तरह के सिमेट्री में किसी भी सर्किट को डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से है वो दो टाइप्स? ये एक है मिरर सिमेट्री। कौन सा है? मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री में हम क्या करते हैं, मिरर सिमेट्री में जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, मान लीजिए मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है ये फाइंड करना है। कौन कौन से दो पॉइंट्स? ए और बी के बीच में। सुनो, इफ यू आर गिवन टू पॉइंट्स ए एंड बी, और फिर ए और बी के बीच में कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्यों ना हो, पहले क्या करो, ए बी को जोड़ दो। ए और बी को जोड़ दो। अब सुनो, जो लाइन ए बी है, ए बी लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कैसा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, उसमें अपना हाथ रख दो, और इस हाथ के दोनों साइड में अगर बिल्कुल सिमेट्रिक सर्किट हो तो उसे हम कहेंगे मिरर सिमेट्री। क्या कहेंगे? मिरर सिमेट्री। और ये मिरर सिमेट्री यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि सिमेट्रिक ब्रांचेस में इधर वाले सिमेट्रिक ब्रांचेस में करंट दिखा सकते हैं कि अगर मान लो यहां से यहां आ रहा है करंट I1, तो यहां से यहां कितना आएगा I1 एंड सो ऑन, मतलब बिल्कुल इसका मिरर इमेज इधर बनेगा। बात समझ में आई? अब सुनिए, अब दूसरा टाइप कौन सा था? दूसरा टाइप है फोल्डिंग सिमेट्री। कौन सा? फोल्डिंग सिमेट्री। और फोल्डिंग सिमेट्री में हम क्या करते थे? तो फोल्डिंग सिमेट्री में हम जो लाइन ए बी है या फिर जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमको रेजिस्टेंस निकालना था, उस लाइन ए बी पे हम अपना हाथ रख देंगे, और इस लाइन ए बी के या फिर इस हाथ के ऊपर नीचे का अगर सर्किट एग्जैक्टली सिमेट्रिक हो टू वन अदर, तो हम क्या करते थे, तो हम अप्लाई करते थे फोल्डिंग सिमेट्री, है ना। और फोल्डिंग सिमेट्री में क्या करते थे, फोल्डिंग सिमेट्री में अगर मान लो ये ऊपर कोई पॉइंट है, उसका पोटेंशियल अगर x है, तो यहां जो पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल कितना होगा, x होगा। और एक बात, और ऊपर वाले सारे रेजिस्टेंसेस आर पैरेलल विद द नीचे वाले रेजिस्टेंसेस। मान लीजिए ऊपर कोई यहां पे एक रेजिस्टेंस है, तो वो हो जाएगा पैरेलल टू द नीचे वाला रेजिस्टेंस, है ना। तो हमने इस तरह से दोनों तरह की सिमेट्री देख ली है, और हमने कुछ अच्छे सवाल भी किए। आज हम फिर कुछ अच्छे या फिर बढ़िया सवाल करने वाले हैं, और उसमें पहला सवाल होगा, मान लीजिए हम कुछ शेप्स पढ़ेंगे, कौन से, ट्रायंगुलर पिरामिड, फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर पिरामिड, और फिर फाइनली हम खत्म होंगे कहां पे, एक क्यूब पे, कैसे, परफेक्ट या फिर रेगुलर क्यूब पे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगुलर पिरामिड लाइक नेटवर्क है, कैसा है, ट्रायंगुलर पिरामिड लाइक, देखिए ये है एक ट्रायंगुलर पिरामिड लाइक नेटवर्क, ध्यान से देखना इधर, क्या है ये, यह है ट्रायंगुलर पिरामिड लाइक नेटवर्क, और ये रहा इसका थर्ड साइड। और सुनिए, ये है तुम्हारा ट्रायंगुलर पिरामिड। अब इसे ट्रायंगुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो बेस है वो क्या है, एक ट्रायंगल है, और ये रहा तुम्हारा एपेक्स। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि इस ट्रायंगुलर पिरामिड लाइक नेटवर्क को अगर दो पॉइंट्स में जोड़ दिया जाए, ए और बी में, क्या किया, इसको दो पॉइंट्स में जोड़ दिया ए और बी, और सारे डिस्टेंसेस, सारे ये आर, सारे आर आर है, कौन कौन से आर आर है, सुनो, मतलब बेस में जो तीन है 1 2 3, और जो स्लैंटेड है वो भी क्या है, आर आर आर, 1 2 3, ये सब आर आर है। तो ये आर, ये आर, ये आर, ये स्लैंटेड और बेस वाले आर आर आर, तो सारे कितने हैं, आर आर आर। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ऑलराइट, अब सुनिए, अगर इस, और ये एक बात ध्यान में रखना, ये बिल्कुल रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, जो बेसेस है वो भी इक्वल है, और जो ये हाइट्स है स्टैंड के वो भी कैसे इक्वल, मतलब रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड है ये। अगर तुम इसको ऊपर से देखोगे, कैसे ऊपर से, हमको ऐसे प्रॉब्लम्स थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए। तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा, तो ऊपर से देखने के बाद ये जो एपेक्स है ये तुमको कहां दिखाई देगा, ये बिल्कुल इस बेस के सेंटर में दिखाई देगा। ये हुआ एक तरीका, या फिर एक काम करो, ये जो इसका एपेक्स है ना, ये जो मतलब इसका जो टॉप है, जो टोपी है, इसको ऐसे नीचे दबा दो, क्या करो, इसको नीचे दबा दो, और अगर तुम इसके नीचे दबा दोगे तो ये बिल्कुल कहां जाएगा, इस ट्रायंगुलर बेस के सेंटर में आ जाएगा। तो जो नेटवर्क दिखाई देगा वो किस तरह का होगा, तो जो नेटवर्क दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का होगा, आपको देखना है इधर केयरफुली, देखिए ये रहा तुम्हारा नेटवर्क, ये इस तरह का दिखाई देगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब ये क्या है, ये है ट्रायंगुलर बेस, और ये है हमारा एपेक्स, जो इस ट्रायंगुलर बेस के बिल्कुल सेंटर में दिखाई देगा या फिर सेंटर में होगा। और ये रहा, और ये तीन साइड्स 1 2 3, देखिए ये आर, ये आर, ये आर, और ये तीन साइड्स 1 2 3, ये हो जाएंगे इस तरह से, ये आर,
ये आर और ये वाला भी आर. सो दिस इज द एक्चुअल नेटवर्क वी कैन इमेजिन ऑफ. ऑलराइट, अब सुनिए, ये जिस तरह का नेटवर्क बना इसको अगर हमें सिमेट्री लगानी होगी तो कौन सी लगा सकते हैं, मिरर या फोल्डिंग. देखिए फोल्डिंग क्या होता है कि फोल्डिंग में हम क्या करते हैं कि एबी पे हाथ रख देते हैं और ऊपर नीचे देखते हैं, और अगर ऊपर नीचे बिल्कुल सेम दिखाई दे तो वो क्या हुआ, फोल्डिंग सिमेट्री. बट यहाँ ऐसा नहीं है. हाँ, बट क्या मिरर सिमेट्री लगा सकते हैं? यस, वी कैन अप्लाई मिरर सिमेट्री. उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं एबी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हाथ रखते हैं और दोनों तरफ अगर स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर हो तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, मिरर सिमेट्री. तो देखिए ये रहा एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, किसी की जरूरत नहीं है. ये रहा AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब सुनिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी एक हमारा जो मिरर होता है ना वैसे काम करेगा, ठीक है. तो ये रहा तुम्हारा मिरर, ये क्या रहा, मिरर. अब सुनिए, इधर देखना है, ये रहा हमारा मिरर. अब देखो इस आर की इमेज ये आर है, इस आर की इमेज ये आर है ना. तो ये क्या हुआ, ये बिल्कुल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हुआ. क्या हुआ, ये बिल्कुल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हुआ. अब सुनिए, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक है ना, बिल्कुल सिमेट्रिक. मतलब मान लीजिए ये पूरा आर है, तो इधर क्या होगा, आधा आर बाय टू, इधर भी क्या होगा, आधा आर बाय टू. मतलब यहाँ आर बाय टू और यहाँ भी क्या है, आर बाय टू. तो ऐसे भी ये सिमेट्री है. अब सुनिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि मान लो इधर गया आई वन, कितना गया आई वन, इधर गया आई वन तो इधर भी कितना आया होगा आई वन, इधर गया आई टू तो इधर भी कितना आया होगा आई टू, एंड इधर गया होगा आई थ्री तो इधर भी आया होगा आई थ्री. सुनो, समझ लो बात को. देखो I1 की मिरर इमेज I1, I2 की I2, I3 की I3. सो इस तरह से हम इसको मिरर सिमेट्री से डिवाइड कर सकते हैं. अब सुनिए, अब जो बात बोल रहा हूं वो काम की बात है. क्या काम की बात है, देखो भैया I3 तो जैसे आया वैसे यहां तक निकल गया, I3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो I2 यहां से इस जंक्शन पे गया, वो पूरा का पूरा I2 इस ब्रांच से B को पहुंचा. इसका मतलब इस ब्रांच से कुछ भी करंट ऊपर नहीं गया. दूसरी बात देखो, मतलब तीसरी बात, मान लो कि ये जो करंट है I1 है ना, ये जो करंट I1 है तो ये यहां से ऊपर गया और पूरा का पूरा I1 इधर आया. मतलब इस जंक्शन से कुछ भी करंट इधर नहीं गया. इसका क्या मतलब है भैया, इसका ये मतलब है कि ये जो R है, कौन सा, ये वाला R, इसका यहाँ पे होना या ना होना बराबर है. मतलब है भी और नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब ये आर मैंने यहां से क्या कर दिया, निकाल दिया. अब तो भैया ये पूरा मतलब पूरा सिंपल ही हो गया. अब देखो करना क्या है, देखो आर आर 2R, फिर ये 2R और ये 2R क्या हुआ, पैरेलल है ना. देखो एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, ये R R 2R, फिर ये 2R और ये 2R पैरेलल, 2R 2R पैरेलल मतलब क्या हुआ, R, और फिर वो R और ये वाला R अगेन पैरेलल, तो R R पैरेलल तो क्या बन जाएगा, R by 2. तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज R by 2. समझ आया, आई होप, ठीक है. तो इसको हमने ऐसे सॉल्व कर लिया है. तुमको एक और तरीका बताऊंगा इसको थोड़े अलग तरीके से सोचने का, एक और तरीका. अब सुनो, मैं इसको यहां पे निकालता हूं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना मैं यहां पे निकालता हूं. अच्छा, अब तुमको पता है कि ये जो फिगर है इसी को हमने यहां ड्रॉ किया था है ना, इसी को हमने यहां ड्रॉ किया था, तो इसका कोई काम बचा है नहीं, तो मैं इसको निकाल देता हूं. अब सुनिए, इसी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं, कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, बस कोई और तरीका हो सकता है क्या इसको सोचने का. देखो तो ये है तुम्हारा ट्रायंगुलर बेस, क्या है ये, ट्रायंगुलर बेस है ना, और ये रहा पॉइंट ए और ये बी, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, बेस बन गया ट्रायंगुलर आर आर आर. अब ये उसका एपेक्स जो सेंटर पे दिखाई देगा, या फिर उसको हम ऐसे दबा सकते हैं. तो ये एक आर, ये दूसरा आर और ये तीसरा आर, ये रहे तुम्हारे स्लैंटेड साइड्स है ना. अब सुनिए, ऐसा है नेटवर्क एक्चुअली, जो ट्रायंगुलर पिरामिड मैंने दिया था वो इस तरह का है. थोड़ी देर के लिए ये सोचो या फिर ऐसा मानो कि ये आर नहीं है. वैसे ही होता भी है तो भी तुम समझ सकते हो, बट थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये आर क्या है, ये आर नहीं है, ठीक. अब देखो बीच में एक दीवार है, उस दीवार को समझो जरा, ये आर, ठीक है, ये आर, फिर एक दीवार सामने, ये आर फिर सामने. देखो इसको हम एक ब्रिज की तरह सोच सकते हैं. कैसे, देखो इधर देखो, बस इसी को ना मैं थोड़ा अलग तरीके से निकालता हूं. देखो ये बीच वाला आर है, समझना बात को, ये क्या है, ये बीच वाला आर, ठीक है. फिर ये दो आर ऐसे ऐसे, ये दो आर ऐसे ऐसे, ये दो आर आर आर, ठीक है, यहाँ आएगा पॉइंट ए, ठीक. फिर ये दो आर ये ऐसे ऐसे, ये दो आर ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ए और ये क्या हो गया बी. अरे ये तो ब्रिज है, ये क्या है, ये तो ब्रिज है, कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज. देखो और एक बात, आर 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 आर
मतलब R1:R2, R3:R4 भी 1:1, मतलब ये ब्रिज तो है बट एक ऐसा ब्रिज है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका मतलब भैया ये जो R है ना, इस R में कोई करंट नहीं है, और अगर इस बीच वाले R में कोई करंट नहीं है तो इस R के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? तो मतलब ये जो ऊपर वाला नेटवर्क है ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, ये ब्रिज है। अब एक बार फिर से यहाँ पे वापस आ जाओ सब लोग। देखो मैं क्या बोल रहा था कि मैंने यहाँ पे एक ब्रांच था जो मैंने थोड़ा मान लेके है नहीं यहाँ पे, सुनो यहाँ पे एक ब्रांच ऐसा आ रहा था मैंने निकाल लिया फिर से एक बार। अब सुनो ये जो ऊपर वाला सर्किट दिखाई दे रहा है कौन सा, ये पूरा ऊपर वाला सर्किट है ना, ये एक ब्रिज है, ये क्या है, ये ब्रिज, और इस ब्रिज के पैरेलल में ये वाला आर है ना, इस ब्रिज के पैरेलल में ये वाला आर है। तो हुआ क्या, ये बीच वाली साइड कोई मायने नहीं रखती, इसको निकाल दिया मैंने। अब सुनो R R 2 R, फिर ये 2 R 2 R पैरेलल, 2 R 2 R पैरेलल हुआ R, और फिर ये पूरा R एंड ये R हुआ पैरेलल, तो R R R by 2, समझ में R, ओके? तो इस तरह से मैंने ये सॉल्व कर लिया है, हमने दो तरीके से इसको सॉल्व किया। अब सुनो अब जो हम करने वाले हैं वो है स्क्वायर पिरामिड। क्या होगा स्क्वायर पिरामिड, सुनो मेरे पास है एक स्क्वायर पिरामिड, देखना है ध्यान से इधर, ये है एक स्क्वायर पिरामिड, दिस इज अ स्क्वायर पिरामिड। अब समझो ठीक है, ये बना स्क्वायर पिरामिड। अब ये स्क्वायर पिरामिड है, इसके साथ बेस के सारे लेंथ इक्वल है, और जो सारे हाइट्स है ये ऐसे ठीक है, स्लैंट हाइट्स ये भी कैसे इक्वल, और सब आर आर है, आर 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 बेस सारे आर आर और सारे हाइट्स भी आर आर, R R R R असली में R क्या है, height, अरे नहीं ये तो resistance है, हाँ but equal है ना, हाँ इसलिए सब R R R हो गए। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है इन दो points के across का resistance, क्या पूछा है इन दो points के across का resistance, सुनिए जरा आपको ध्यान से, ये point हुआ A और ये point क्या हुआ B, मान लो इस network को अगर तुमने point A और point B में जोड़ दिया एक battery के along, तो तुम्हें निकालना है A और B के बीच में कितना resistance है, समझ में आया। अब जरा सुनो और सर आर 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 आर, ओके। अब इसको देखने का एक और तरीका है, कौन सा वाला, ऊपर वाला व्यू, टॉप व्यू है ना, तो टॉप व्यू से अगर देखोगे तो यही स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा। सुनो क्या हम इस एपेक्स को इस बेस के सेंटर में मान सकते हैं, अगर दबाएंगे तो ये वही चला जाएगा ना, तो यानी ऊपर से देखोगे तो ये भी वही पे दिखाई देगा कहां पे, सेंटर पे। तो चलो एक काम करते हैं, ये रहा तुम्हारा बेस जो स्क्वायर है, देखिए ये रहा तुम्हारा स्क्वायर बेस, अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ये रहा तुम्हारा स्क्वायर बेस, आर 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 आर, ये ऐसे तुम्हारा स्क्वायर बेस, ऑलराइट। और ये रहा तुम्हारा एपेक्स जो बिल्कुल सेंटर पे दिखाई देगा, या फिर तुम अगर उसको दबाओगे तो भी वो वहां पे आ जाएगा। और फिर ये जो सब है अगर ऊपर वाला और नीचे वाला सर्किट सेम हो तो क्या कर सकते हैं, फोल्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, बट ये वैसा नहीं है, फोल्डिंग भी हम लगा नहीं सकते, बट क्या लगा सकते हैं, मिरर सिमेट्री लगा सकते हैं, यस कैसे, देखो तो ये रहा तुम्हारा AB। अब AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, ये ऐसे सोचने के लिए या फिर समझने के लिए मैं निकाल रहा हूं, जरूरत नहीं है इसकी ठीक है। तो ये हुआ उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सोचो अगर ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस R का R by 2 इधर है, R by 2 उधर है, मतलब बिल्कुल मिरर इमेज, ये R तो उसकी इमेज ये R, फिर ये R तो उसकी इमेज ये R, ये R तो ये R, यहां R by 2 यहां क्या होगा R by 2, सो दे आर परफेक्टली मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सो मिरर सिमेट्री इज परफेक्टली एप्लीकेबल। अब सुनो अगर यहां गया I1 तो यहां से आया I1, अगर यहां गया I2 तो यहां भी कितना आया I2, एग्जैक्ट मिरर इमेज I1 की इमेज I1 I2 की I2, और अगर यहां गया होगा I3 तो यहां भी कितना आया होगा I3, सो दिस इज मिरर सिमेट्री। अब सुनो यह मतलब एक एक बात को हम केयरफुली नोटिस करेंगे, देखो एक पहले सोचते हैं I1 के बारे में, किसके बारे में I1 के बारे में, देखो I1 यहां से निकला, I1 यहां से निकला, शायद यहां पे डिवाइड हुआ होगा, यहां पे डिवाइड हुआ होगा, कुछ यहां से गया होगा, कुछ यहां से गया होगा, हाँ, बट जब यहां से गया और इस ब्रांच में वापस आया तो फिर से कितना आया I1 ही आया, कितना आया I1, मतलब इन दो ब्रांचेस से जो भी करंट गया होगा ठीक है, ये पूरा मतलब यहां से जो भी गया होगा ना करंट,
अरे हुआ क्या, यहां पे करंट डिवाइड हुआ, कुछ यहां से गया और कुछ यहां से गया। तो जो यहां से गया होगा वो पूरा का पूरा यहां पे आया होगा, तभी तो पूरा आई1 बना, है ना। मतलब इस जंक्शन से, ठीक है, इस जंक्शन मतलब इस जंक्शन के होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये नहीं भी होता तो भी पूरा का पूरा आई1 उधर चला जाता। सुनो एक बार, आओ देखो, I2 यहां गया, इधर कितना आया I2, मतलब इस I2 का कोई भी हिस्सा या फिर कुछ भी हिस्सा ऊपर नहीं गया। मतलब सिंपली ये जंक्शन यहां पे है ही नहीं, फिजिकली है बट टेक्निकली इसका कोई काम नहीं है। तो मैंने इस जंक्शन को ही हटा दिया ये ऐसे, और ये क्या गया ये ऐसे, पास समझ में आई। अब देखो I1 निकला, चला डिवाइड हुआ और फिर यहां पे एक होके I1 आ गया। I2 देखो, I2 निकला, ठीक है, I2 I2 तो डिवाइड हुआ ही, I2 निकला, यहां पहुंचा I3 में, ऐसे यहां पे पहुंच गया। चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये R और ये 2R कैसा है, R और ये R और 2R पैरेलल है कि नहीं, R और 2R पैरेलल। चलो ढंग से करते हैं इसको। अब समझो क्या इसकी जरूरत है, क्योंकि यही सर्किट तो वो है ना, तो मैं इसको यहां से निकाल देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे हेल्प करना है आपको। क्या करना है, हेल्प। सुनो ये R और ये 2R इनका पैरेलल, तो हो जाएगा R * 2R डिवाइड बाय R प्लस 2R, तो ये हो जाएगा 2R by, हाँ, 2R by 3, समझ में आ रहा है, ये कितना हुआ 2R by 3, समझ में आ रहा है, ये हुआ 2R by 3, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही ये वाला देखो, ये R, कौन सा, ये वाला R, और फिर ये 2R, ये भी कैसा है, parallel, तो इसका भी कितना होगा 2R by 3, तो ये R और ये, sorry, ये 2R और ये R भी कैसा है, parallel, तो इसका भी कितना आएगा, उतना ही आएगा, कितना आएगा इसका भी, 2R by 3, मतलब सिमिलर वैसे ही होगा इसका। ये R, ये 2R by 3 और ये R सीरीज, देखो ये R 2R by 3 और फिर ये R, ये कैसा है सीरीज, तो ये कितना हो जाएगा मिलके, तो ये हो जाएगा 3R और ये 3R प्लस ये 2R, तो ये हो जाएगा 8R by 3, कितना हो जाएगा ये 8R by 3। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, कौन सा, ये वाला नेटवर्क, कौन सा, ये वाला नेटवर्क हो जाएगा 8R by 3, सुनो देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 8R by 3, ये है 8R by 3। अब देखो ये 2R और फिर ये R कितना था 2R by 3, अब ये 2R by 3 और ये 8R by 3 कैसा है पैरेलल, कैसा ये पैरेलल, तो इनका क्या कर सकते हैं, देखो फाइनली हम कहां पे पहुंचे, तो फाइनली हम पहुंचे ये 8R by 3 का नेटवर्क और ये 2R by 3, तो ये पैरेलल है 8R by 3 into 2R by 3 upon 8R by 3 plus 2R by 3, तो ये हो जाएगा 8 2's are, ये 16, 16R square divided by what, divided by ये 9, और ये हो जाएगा 10R divided by 3, तो ये 3 1's are, 3 3's are and then 2, ठीक है, ये R भी क्या हो जाएगा cancel, तो 2 8's are and 2 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये 3 1 3 3 9, ठीक है, तो यहां बचा 3, ठीक है। अब देखो R R कैंसिल, तो एक बचा R, फिर 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो यहां बचा 8 और यहां बचा 5, तो हमारा आंसर होना चाहिए 8R by 15 ओम, कितना होना चाहिए 8R by 15 ओम, बस समझ में आई। अब देखिए तो हमारा आंसर है 8R by 15। हाँ, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते थे, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते थे। अब देखिए जो अब मैं करने वाला हूं वो पहले वाले प्रॉब्लम का ही दूसरा तरीका है, ठीक है, दूसरा तरीका, कौन सा, अभी हमने लगाया था सिमेट्री, लगाया था हमने कौन सा मिरर सिमेट्री लगाया था, हम इसको फोल्डिंग नहीं, हम इसको फोल्डिंग लगा सकते। अब सुनिए, अब इसी प्रॉब्लम का एक दूसरा वेरिएशन है, कौन सा दूसरा वेरिएशन, वो कौन सा है, देखिए तो दूसरा वेरिएशन है ये, मान लीजिए तुम्हारे पास वही स्क्वायर पिरामिड है, क्या है, तुम्हारे पास वही स्क्वायर पिरामिड है ये ऐसे, ठीक है, और ये रहे उसके स्लैंटेड हाइट्स, ठीक है। अब सुनिए, पहले जब हमने ए बी जोड़ा था, ये फिर ए और दो पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स ऐसे थे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या था बी, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार थोड़ा अलग है, क्या है, तो ये पॉइंट ए और बी इस तरह से नहीं है, पॉइंट ए और बी इस तरह से है, देखो डायगोनली अपोजिट, डायगोनली अपोजिट, पॉइंट ए इस तरफ है और पॉइंट बी इस तरफ है ना, और इन दोनों के बीच अब इस सर्किट को जोड़ दिया है, बात समझ में आई, तो फर्क क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, सिर्फ एक चीज का फर्क होगा, देखिए ये रहा तुम्हारा नेटवर्क,
अब ये क्या है, अब ये है उसका बेस, ये जो स्क्वायर पिरामिड है ये उसका बेस हुआ, एपेक्स बिल्कुल यहां पे उसके सेंटर में होगा, एपेक्स कहां पे होगा, सेंटर में होगा, और ये रहा तुम्हारा पॉइंट ए, पॉइंट बी, आर 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 आर, और यहां से एपेक्स से ये ऐसे चार लाइंस इस तरफ बराबर है, ठीक है, इसको जरा ठीक से ड्रॉ करता हूं मैं, ध्यान दे रहे सबको, इधर देखिए ये ऐसे है, ठीक है, हाँ तो बिल्कुल ये अभी टॉप व्यू है, ये रहा तुम्हारा एपेक्स, मतलब ये जो पॉइंट था टॉप, टॉप वाला, ये टॉप कहां पे आ गया, ये यहां से नीचे, और इस लाइन के हाइट्स आर 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 आर, ये सब आ रहा है, आर 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 आर, और ये क्या है आर, सब आर 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 आर, और ये आर, अब तुम लगा तो दोनों सकते हो, कौन कौन सा, देखो एबी के अक्रॉस पूछे हैं, तो एबी के अक्रॉस अगर निकालना है तो मैं फोल्डिंग भी लगा सकता हूं और मैं मिरर सिमेट्री भी लगा सकता हूं, तो चलो इसमें से कोई हम एक लगा देंगे, ये दोनों करना है, दोनों करते हैं, चलो पहले लगाते हैं मिरर सिमेट्री, पहले क्या लगाते हैं मिरर सिमेट्री, तो पहले मिरर सिमेट्री अगर लगाना है तो ऐसे करते हैं, ये है उसका एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये रहा बाइसेक्टर, है ना, तो उधर का नेटवर्क बिल्कुल क्या है सिमेट्रिक इधर वाले से, तो यहां गया आई वन, यहां गया आई टू, और यहां गया आई थ्री, तो यहां आया आई वन, यहां आया आई टू, और यहां आया आई थ्री, अब देखो आई वन पूरा का पूरा इधर आया, मतलब इस रेंज में कोई करंट नहीं गया, निकाल दो इसको, ठीक, दूसरा आई टू भी पूरा का पूरा इधर चला गया, मतलब इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं है, अब देखिए क्या हो गया, तो आर आर टू आर, क्या हुआ आर आर टू आर, और ये आर आर भी टू आर, अब देखो क्या है, टू आर का एक ब्रांच, टू आर का दूसरा ब्रांच, और ये टू आर का तीसरा ब्रांच, तो ऐसे तीन ब्रांच कैसे हैं पैरेलल में है, तो हमारा आंसर सिंपली होगा टू आर बाय थ्री, ओ हमारे ध्यान में है कि नहीं आया, बस क्या है मिरर सिमेट्री अप्लाई किया, दो दो ब्रांचेस तो वैसे भी निकल गए, और टू आर टू आर से तीन क्या हुए पैरेलल, तो आंसर आएगा टू आर बाय थ्री, हाँ इसको एक तरीका और भी है सॉल्व करने का, वो कौन सा है फोल्डिंग वाला सिमेट्री, कौन सिमेट्री फोल्डिंग सिमेट्री, ये मैं निकाल देता हूं, और एक बार फिर से तुमको मैं बताऊंगा फोल्डिंग सिमेट्री कैसे अप्लाई कर सकते, देखो तो ये है तुम्हारा, यही जो हमने निकाला था ये नेटवर्क तुम्हारा, ऐसे देखना इधर फिर एक बार, ये तुम्हारा बेस, ठीक है बेस रहा ये वाला, और ये है वो दो पॉइंट्स, ठीक है देखिए ये बेस आर 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 आर, ये रहा तुम्हारा एपेक्स, ये रहा तुम्हारा एपेक्स, और इस एपेक्स से चार साइड इस नीचे आ रहे, वन टू थ्री फोर, ये सब आ रहा है आर 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 आर, ठीक लगाना क्या है, अब हमें लगाना है फोल्डिंग सिमेट्री, देखो फोल्डिंग सिमेट्री कैसे लगाएंगे, ये है लाइन एबी, ये क्या है लाइन एबी, ओके, और लाइन एबी के ऊपर अगर हाथ रख दोगे तो जो ऊपर दिखाई दे रहा है वही नीचे दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब है ये फोल्डिंग सिमेट्री यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, और जब ऐसा कर सकते हैं तो हमने देखा था ऊपर वाला हर एक आर नीचे वाले हर एक आर से क्या होता है पैरेलल में होता है, तो नीचे वाला पूरा सर्किट निकाल दो, और ऊपर वाले हर आर को क्या कर सकते हैं हम आर बाय टू लिख सकते हैं, देखो तो ये आर, ठीक है ये आर जो होगा ये इसके पैरेलल होगा, तो ये बन जाएगा आर बाय टू, है ना, ये आर जो है ये इसके पैरेलल हुए है तो ये आर बाय टू, और फिर ये वाला आर इसके पैरेलल तो ये भी आर बाय टू, अब देखो अब फिर से मैं यहां पे क्या अप्लाई कर सकता हूं मिरर सिमेट्री, कैसे देखो ये मैंने क्या किया यहां से इस सर्किट को तोड़ दिया, अब फोल्डिंग ही लगा सकते हैं मिरर, सुनो अगर यहां गया आई वन और यहां गया आई टू, तो यहां से आया आई वन और यहां से आया आई टू, समझ में आ रहा है, तो भैया आई वन इधर गया पूरा का पूरा आई वन इधर आया, तो इस ब्रांच में कोई करंट गया ही नहीं, यहां कोई करंट गया ही नहीं, तो फिर फाइनली हुआ क्या, देखो ये आर, तो ये आर बाय टू, आर बाय टू, आर बाय टू बना आर, क्या बना आर, ठीक है, तो ये लिख दिया आर, ये आर बाय टू, आर बाय टू आर, और फिर ये टू आर ऐसा है पैरेलल, तो टू आर एंड आर इन पैरेलल, मतलब टू आर इंटू आर, टू आर प्लस आर, और ये हमेशा हमको पता है ये आता है टू आर बाय थ्री, ये हमको पहले से पता है कितना है ये टू आर बाय थ्री, अच्छा तो हमने इस स्ट्रक्चर को दोनों तरीके से किया, पहला कौन सा था, पहला था मिरर सिमेट्री, मतलब पूरे सर्किट को मिरर से तोड़ दिया, फिर तोड़ा उसको फोल्डिंग सिमेट्री से, और दोनों तरफ से आंसर सेम आया, इसका मतलब क्या है कि आंसर इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, आंसर तो वो वैसे ही आएगा, चलो तो ये भी हो गया, तो हमने ट्रायंगुलर पिरामिड या फिर स्क्वायर पिरामिड ये दोनों सवाल कर लिए, इनके दोनों वेरिएंस हमने कर लिए, अब हमें करना है क्यूब, क्या करना है हमको क्यूब प्रॉब्लम्स, अब हमें पढ़ना है क्यूब प्रॉब्लम्स, हाँ चलो तो लिख दो क्यूब प्रॉब्लम्स, क्या लिखना है क्यूब
प्रॉब्लम्स। अब हमें क्यूब के दो तीन डिफरेंट सवाल करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। क्यूब प्रॉब्लम्स देखो, ये है एक परफेक्ट क्यूब, ये है एक परफेक्ट क्यूब यानी कि रेगुलर क्यूब, ऑल साइड्स इक्वल। क्यूब मतलब इक्वल ही होगा, कोई और मतलब हो नहीं सकता। देखो तो ये है एक क्यूब, हाँ, जिसके सारे साइड्स इक्वल है, सारे साइड्स इक्वल है और लेंथ आर इक्वल और सबका रेजिस्टेंस जो है, सबका रेजिस्टेंस है आर। कितना है? आर। तो ये आर 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 और ये भी आर 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 और ये भी क्या हुआ आर। क्या सारे लिख दिए, बेस वाले चार आर, ये हाइटेड वाले चार और ये फ्री कलर सारे आर। और अब इनको नेमिंग भी कर देते, क्या करते हैं इनको नेमिंग। देखिए ये वन, ठीक है, ये वन टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन और ये क्या हुआ एट। बस हमने समझने के लिए इतने कॉर्नर्स को हमने नेमिंग कर दिया है। अब देखो इस क्यूब के कितने वर्टेक्स है, कितने वर्टेक्स या कितने वर्टाइसेस है इसके, आठ। ऐसे ये नीचे वाले चार, वन टू थ्री फोर, ये नीचे वाले चार वर्टाइसेस और ये ऊपर वाले चार वर्टाइसेस, फाइव सिक्स सेवन, ये ऊपर वाले चार। तो क्यूब के आठ वर्टेक्स है, कितने हैं आठ वर्टेक्स या फिर आठ वर्टाइसेस उसके है। ऑलराइट, अब सुनिए, हाउ मेनी साइड्स अ क्यूब है, उसके कितने साइड्स हैं, मतलब ये नीचे वाले चार, ये जो ऐसे है, ठीक है, ये वाले चार और ऊपर वाले चार, मतलब यहाँ पे 12 साइड्स हैं। तो 12 साइड्स कितने हैं, 12 साइड्स। और अगर बात करें फेसेस की, किसकी बात करें फेसेस की, तो कुल मिलाकर ऊपर वाला नीचे वाला और ये साइड के चार, तो ऐसे 6 फेसेस है, कितने हैं 6 फेसेस। अब ये एक नेटवर्क है, वैसे तो ये क्या है, एक नेटवर्क है और इसका हर रेजिस्टेंस के कितना है आर आर आर, एक क्यूब लाइक नेटवर्क है। हमने देखा आठ वर्टेक्स है, 12 साइड्स है और 6 क्या है इसके फेसेस। हाँ वैसे ये एक काम का नहीं है, बट हाँ ये चीज अब काम में आएगी। अब देखो कैसे, सुनो, इस सर्किट को या फिर इस नेटवर्क को अगर हम किसी बैटरी के अक्रॉस जोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है इसको हम किसी दो पॉइंट्स के बीच में ही जोड़ेंगे, किसी दो पॉइंट्स के बीच में ही जोड़ेंगे। अब ये दो पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये दो पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है क्या, हो सकता है कि ये जो दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स है, ये हो सकते हैं डायगोनली अपोजिट। डायगोनली अपोजिट मतलब कैसा, कि मान लो ये वन है और ये क्या है सिक्स, ये वन और ये सिक्स है, तो इस वन और सिक्स को जोड़ने वाली जो लाइन है हम इसे कहेंगे बॉडी डायगोनल। क्या कहेंगे? बॉडी डायगोनल। तो इस नेटवर्क को पहला जोड़ने का पहला तरीका है अलोंग द बॉडी डायगोनल, मतलब वन और सिक्स के बीच में हमने इस सर्किट को जोड़ दिया, पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम इस सर्किट को अलोंग द एज जोड़ दें, अलोंग द एज। अब एज कौन सा है, ये है वन टू, है ना, क्या है वन टू, जैसे वन टू एज है, वैसे थ्री टू थ्री भी एज है या फिर ये थ्री फोर भी एज है या फोर फाइव भी एज है। अगर किसी भी एज के अलावा हम इसको जोड़ देंगे तो जो ये आएगा रेजिस्टेंस आएगा वो इक्वल ही आएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। इतने अच्छा सुनो, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, इसके कितने बॉडी डायगोनल है, देखो है ऐसे, मतलब वन के अपोजिट कौन है छे, वन के अपोजिट कौन है छे, वैसे ही दो के अपोजिट कौन है पांच। तो ऐसे जितने भी बॉडी डायगोनल होंगे उनके सभी के अक्रॉस क्या आएगा, रेजिस्टेंस इक्वल आएगा, मतलब यू कनेक्ट द सर्किट अलोंग एनी बॉडी डायगोनल इट विल बी सेम, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा। सिमिलरली किसी भी एज के अक्रॉस अगर जोड़ोगे, मतलब चार तीन चार के अक्रॉस जोड़ो या वन टू के अक्रॉस जोड़ो या फोर फाइव के अक्रॉस जोड़ो, कोई भी एज ले लो उसके अक्रॉस अगर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा इक्वल। तो पहले हुआ बॉडी, फिर हुआ एज, अब आएगा फेस, कैसा फेस डायगोनल, मतलब मान लो इस वन और थ्री के बीच में जोड़ा तो ये हुआ फेस डायगोनल, या फिर फोर और एट के अक्रॉस जोड़ा तो ये क्या हुआ फेस डायगोनल। हाँ और यहाँ भी किसी भी फेस के अक्रॉस, मतलब किसी भी फेस डायगोनल के अक्रॉस जोड़ोगे तो यहाँ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, जो रेजिस्टेंस होगा कैसा होगा इक्वल होगा। तो हमें बेसिकली तीन टाइप्स पढ़ने हैं, कौन कौन से, पहला बॉडी डायगोनल, ठीक है, क्या पढ़ना है पहला बॉडी डायगोनल, दूसरा पढ़ना है अलोंग द एज, अलोंग द एज, और तीसरा पढ़ना है अलोंग फेस डायगोनल, क्या अलोंग फेस डायगोनल। अब सुनिए, तो पहला टाइप हम करते हैं, पहला टाइप हम करते हैं अलोंग बॉडी डायगोनल, क्या होगा बॉडी डायगोनल, ठीक है, तो बॉडी डायगोनल, और उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं वन और सिक्स का। ये जैसे एक रूम होता है और उस रूम का एक कोने से दूसरा कोना जैसे हम मतलब खींच सकते हैं, वैसे ये क्या है इस कोने से इस कोने तक ही जा रहा है, ठीक है, तो क्या है बॉडी डायगोनल, मतलब कौन सा है वन और सिक्स के बीच में इसको हमने जोड़ दिया है। अब देखो वन और सिक्स के
ये रहा 6। अब इस सर्किट को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे? इमेजिनेशन से। कैसे? इमेजिनेशन से। अब देखो, अगर तुम 1 पे खड़े रहते हो, कहां पे खड़े रहते हो? 1 पे। अगर तुम 1 पे खड़े रहो और अपने आजू बाजू देखो तो 1 के लिए, 1 के लिए जिस तरह का 2 है उसी तरह का 4 है और उसी तरह का 8 भी है। मतलब 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से 2, 4 और 8 में कोई बदलाव या कोई भेदभाव नहीं है, वो बिल्कुल एक जैसा है, इनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं 1 से निकला हुआ चार्ज, ठीक है, 1 से निकला हुआ चार्ज यहां तक आते आते जितनी एनर्जी लूज करेगा उतनी ही एनर्जी 1 से 4 आते आते और 1 से 8 आते आते खर्च करेगा। इसका मतलब क्या है कि 2, 4 और 8 ये कैसे पॉइंट्स हैं? ये है इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। कैसे? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। तो मैं लिख सकता हूं कि 2, 4 और 8 आर द इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये रहा तुम्हारा 1, क्या निकाल सकता हूं? हां निकाल सकता हूं। ये रहा तुम्हारा 1 और 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2, 4 और 8 ये तीन लोग कैसे हैं? ये है इक्विपोटेंशियल, बराबर है। और फिर अब देखिए, अब 6 के जगह पे खड़े रहिए। अगर आप 6 के जगह पे खड़े रहते हो तो 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे 3 है वैसे 5 है और वैसे भी क्या है 7, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है, और एक तरह के है। तो 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3, 5 और 7 कैसे हुए इक्विपोटेंशियल? तो अगर हम 6 पे देखो ये फिर क्या हो जाएगा, 3, 5 और 7 ये तीनों कैसे हुए इक्विपोटेंशियल, है ना? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आई? देखो तो 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों इक्वल पोटेंशियल है, 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों इक्वल पोटेंशियल है। अब इसको कैसे जॉइन करना है, इसको दिखाने का एक तरीका मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जरा देखें इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये 1, ठीक है, 1, फिर ये 2, 4 और 8 इक्विपोटेंशियल, फिर ये 3, 5, 7 ये भी क्या हुआ इक्विपोटेंशियल, और फिर ये रहा तुम्हारा 6। और हमें जो जोड़ना है रेजिस्टेंस को कहां जोड़ना है, मतलब जो निकालना है वो किसके अकॉर्डिंग निकालना है, 1 और 6 के अकॉर्डिंग निकालना है। अब थोड़ा सा ध्यान कर देना है मैं कैसे जोड़ रहा हूं, मतलब इस जो सर्किट है इसको कैसे सिंपलीफाई कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो 1 से, ठीक है, 1 से 2, 1 से 2 एक है, 1 से 4 एक है और 1 से 8 एक है, तो तीनों निकाल दो। 1 से 2 एक है, 1 से 4 भी है और 1 से 8 भी है, निकल गया। आगे फिर 6 से सोचो, 6 से, 6 से 3 है, 6 से 5 है और 6 से 7 है, तो 6 से 3, 6 से 5 और 6 से 7, ओके, सब आ रहा है आर आर और ये भी क्या है आर। अब देखिए बीच में क्या क्या है, ये बीच में कैसा नेटवर्क बना हुआ है, हमने किस किस को लिख लिया उसको मैं निकाल देता हूं। देखिए हमने किसको लिख लिया, इसको ये देखो 1 से 2 को लिख लिया, 1 से 4 को लिख लिया, 1 से 8 को लिख लिया, फिर 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुनो तो 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 3 को लिख लिया, फिर ये 5 को लिख लिया और ये 7 को भी लिख लिया। अब जो बचा है वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए ये वाला आर कहां पे है, 4 और 5 के बीच में है, ये है 4 और 5 के बीच में, तो ये रहा 4 और 5 के बीच वाला आर, ठीक। देन ये 4 और 3 के बीच में है, ये 4 और 3 के बीच में है, ठीक है, 4 और 3 के बीच में, फिर ये 2 और 3 के बीच में है, ये 2 और 3 के बीच में है, ये हो गया 2 और 3 के बीच में, फिर ये 2 और 7 के बीच में एक आर है ना, तो ये 2 और 7 के बीच में एक हुआ, फिर ये 8 और 7 के बीच में है, ये वाला 8 और 7 के बीच में, ऐसे 8 और 7 के बीच में एक, ठीक है। एंड दिस वन ये कहां पे है, ये है 8 और 5 के बीच में, ठीक है, 8 और 5, तो ये 8 और ऐसे 5 के बीच में है, क्या हमने सारे आर कवर कर लिए हैं, आर 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 आर। ऑलराइट, अब देखिए ये जो नेटवर्क है ये किस तरह का बना, ये नेटवर्क इस तरह का बना, अब बस इसको देखना है, बस इसको देखना है, सब आ रहा है आर 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 और ये भी आर 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 और ये भी क्या है आर। अब देखिए आर 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 पैरेलल मतलब आर बाय 3 प्लस, ऐसे कितने आर आर है, 6, सारे के सारे पैरेलल मतलब आर बाय 6, कितना आर बाय 6, और फिर से ये 3 आर पैरेलल मतलब अगेन आर बाय 3, अगेन आर बाय 3, तो एलसीएम आएगा इसका 6, तो ये 2R प्लस R प्लस R, फिर क्या ये सब सीरीज में है ना, ये सीरीज इसके साथ और ये इसके साथ सीरीज, तो फाइनली मैं लिख सकता हूं हां ये 2R है, सॉरी हां, तो 2R 2R 4R R मतलब 5R / 6, तो आंसर आएगा हमारा 5R / 6, ओ हम
बात समझ में आई, मतलब हमने इस तरह से along the body diagonal ridges find कर लिया है, ठीक? चलो छोड़, अब करते हैं edge, along the edge, यही problem करना है along the edge, अब थोड़ा सा speed हम बढ़ा देते हैं, along the edge, जरा देखो, ये रहा हमारा network, ठीक है? ये है हमारा network. थोड़ा सा फास्ट करना इस बार, ये वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ऑलराइट, और सब आ रहा है, क्या है, सब आ रहा है. अब मैं लिखता नहीं, ठीक है? देखो अब सिर्फ जो हो जाएगा उसको हम टिक कर देंगे. अब निकालना है अलोंग एज, एज के अलोंग, और क्या लेंगे एज, वन और टू लेंगे. फॉर एग्जाम्पल अब वन टू लेते हो या थ्री फोर थ्री सिक्स लेते हो या कोई भी लेते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सब सेम ही होगा. तो मैं ले रहा हूं वन टू, क्या ले रहा हूं मैं, वन टू, मतलब वन और टू के बीच में हमने इस सर्किट को जोड़ दिया है. जैसे हम दो पॉइंट्स ले लेते किसी के भी, तो वन और टू के बीच में जोड़ दिया है. अब देखो अगर तुम वन के पास खड़े रहते हो, किसके पास, वन के पास, तो वन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह का चार है उसी तरह यहां से आठ है, उसी तरह क्या होगा, आठ होगा. सेम वे दो के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह का ये सात है उस तरह का कौन होगा, ये तीन होगा. तो इसको सिंपलीफाई कर देखिए, इस वन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन के पॉइंट ऑफ व्यू से चार और आठ बिल्कुल एक जैसा है, कोई भेदभाव नहीं है. तो ये हुए चार और आठ एक जैसे. फिर दो के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके दो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सेम है, इसको ऐसे नहीं निकालते, थोड़ा अलग निकालते, देखो हाँ ये ऐसे जोड़ना कहां पे है, वन और टू के बीच में जोड़ना है. तो ये रहा तुम्हारा वन और ये रहा तुम्हारा टू. अब सोचना है जरा से, तो एक के लिए चार और आठ इक्विपोटेंशियल है, चार और आठ इक्विपोटेंशियल है. दूसरी बात, दो के लिए तीन और सात है, दो के लिए तीन और सात है इक्विपोटेंशियल. अब देखिए फिर एक के लिए, एक के लिए जिस तरह का पांच है उसी तरह का दो के लिए छह है, है ना? तो एक के लिए जिस तरह का पांच है उसी तरह का दो के लिए कौन है, छह. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके अब क्या करते हैं, बस सबको निकाल दो, एक एक को ड्रॉ करते हैं. देखो वन और टू के बीच में एक है, ये हो गया वन और टू के बीच में एक लाइन, ठीक. फिर अब इसको हमने ले लिया, इसको हम मार्क कर देते हैं. आगे देखिए वन और टू हो, अब वन से फोर है, वन से आठ है, तो वन से फोर और वन से आठ हो गया. फिर चार से पांच है और आठ से पांच है, तो चार से भी पांच है और आठ से भी पांच है. तो हमने पहले क्या कर लिया, हमने वन से टू ले लिया, वन से फोर ले लिया, वन से आठ ले लिया, फिर चार से पांच ले लिया और आठ से पांच भी हमने ले लिया. अब देखिए टू, टू के पास आइए, टू से थ्री है और टू से सेवन है, टू से थ्री है और टू से सेवन है, हो गया. अब देखिए फिर थ्री से सिक्स है और सेवन से भी सिक्स है, थ्री से सिक्स और सेवन से सिक्स, थ्री से सिक्स और सेवन से भी सिक्स, ये भी हो गया. और अल्टीमेटली क्या बचा है, ये सात से आठ हमने लिख दिया क्या, हाँ ये रह गया. अब देखिए अब क्या बचा है, अब बचा है सिर्फ ये वाले साइड्स, कौन कौन से, हाँ वन टू और ये हाँ थ्री. अब देखिए फोर से थ्री है, फोर से थ्री, ये रहा फोर से थ्री, निकाल लिया हमने फोर से थ्री भी, और राइट. और क्या क्या है, और हाँ, और आठ से सात है, आठ से सात, ये रहा आठ से सात, ये भी हो गया. तो अब एक ही साइड बचा है जो है पांच से छह, तो ये रहा हमारा पांच से छह. अब जरा इसको जोड़ लो वन और टू के बीच में, कहां जोड़ दिया हमने इसको, वन और टू के बीच में, क्या हमने सारे कवर कर लिए थे, ये बेस वाले चार हो गए, ये ऊपर वाले चार हो गए और ये ऊपर वाले चार हो गए. अब इसको निकाल दिया, इसकी जरूरत नहीं बची है, हमने इसको निकाल दिया. अब जरा सुनिए क्या करना है, देखो बोलो, ये आर 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 आर, ये आर 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 आर, ये भी आर और ये भी आर, और थोड़ा सा सिंपलीफाई करते जाना है. बोलो ये आर आर, और हमको पेशेंस मेंटेन करना है इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए. देखो तो ये आर आर क्या, ये आर आर क्या हुआ, आर बाय टू, कितना हो जाएगा ये आर बाय टू, तो इसको यहां लिख दो आर बाय टू, क्या हुआ ये आर बाय टू. फिर ये आर और ये आर भी कितना हो जाएगा आर बाय टू, है कि नहीं. फिर ये वाला आर और ये वाला R भी क्या हो जाएगा R by 2, कितना हो जाएगा R by 2. Similarly ये भी हो जाएगा R by 2, कितना हो जाएगा R by 2.
और ये भी हो जाएगा आर बाई टू, ना हो जाएगा ये आर बाय टू। हाँ अब देखिए आर बाय टू आर बाय टू आर है ना, आर बाय टू आर बाय टू आर, आर और ये आर, आर और आर टू आर, तो टू आर और आर बाय टू कैसे है पैरेलल में, टू आर देखिए ये आर बाय टू आर बाय टू आर और ये आर टू आर, तो टू आर और ये वाला आर बाय टू ये कैसा है पैरेलल में है ना, तो इस वजह से सॉल्व करते हैं टू आर प्लस आर बाय टू, तो ये हो जाएगा टू आर स्क्वायर बाय टू, टू आर स्क्वायर बाय मतलब एक टू टू मतलब टू क्या हो जाएगा कैंसल, सिंपली सिंपली करते हैं इसको, दो 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 ऐसे ही कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, सिंपली क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर और ये बन जाएगा फोर आर प्लस आर यानी कि फाइव आर, कितना हो जाएगा फाइव आर, ये तो ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा मान लीजिए टू बाय फाइव आर, कितना हो जाएगा ये टू बाय फाइव आर। तो सुनिए ये पूरा नेटवर्क कौन सा, ये पूरा का पूरा हम निकाल देंगे और ये क्या बन जाएगा टू बाय फाइव आर, तो ये है टू बाय फाइव आर। ठीक अब देखिए आगे नाउ आर बाय टू ये टू आर बाय फाइव, ये आर बाय टू, सुनिए आर बाय टू आर बाय टू आर कितना हो गया आर है ना, प्लस ये टू आर बाय फाइव, टू आर बाय फाइव सीरीज सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा फाइव आर प्लस टू आर बाय फाइव इन द सेवन आर बाय फाइव, सेवन आर बाय फाइव, तो इनको निकाल दो, इनको निकाल दो, इसको रिप्लेस कर दो सेवन आर बाय फाइव से है ना। अब सोचो सेवन आर बाय फाइव और ये आर पैरेलल, तो सेवन आर बाय फाइव और ये आर पैरेलल मतलब आर वन इंटू आर टू R1 plus R2, 7R by 5 plus R, तो ये हो जाएगा 7R square by 5, 7R square by 5 divide by, ये हो जाएगा 7R square by 5 and divide by 12R by 5, तो ये 5-5 cancel हो जाएगा, R cancel हो जाएगा, कौन सा रहेगा 7R divide by 12 ओम, तो कितना आएगा 7R divided by 12 ओम, तो हमने दूसरा भी टाइप सॉल्व कर लिया है। नाउ अब बचता है सिर्फ एक टाइप, कौन सा फेस डायगोनल, कौन सा बचता है फेस डायगोनल। चलो हमने क्या क्या कर लिया एक बार साइड में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, हमने हमने सॉल्व किया था कौन सा वाला पहले सॉल्व किया था बॉडी डायगोनल, तो बॉडी कितना आया था, बॉडी क्या अलाउ वो आया था 5R by 6, कितना आया था 5R by 6, और फिर हमने एज वाला किया वो कितना आया था, वो आया था 7R by 12, ये हमको ध्यान में रखना है, बाद में हम इसको एक बार फिर रिवाइज कर देंगे। अब सुनो अब लास्ट वाला टाइप बचा है कौन सा वाला, अलोंग द फेस डायगोनल, देखो अलोंग द फेस डायगोनल ध्यान से देखना है इस बार, अलोंग द फेस डायगोनल ये रहा तुम्हारा क्यूब है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या 8 करेक्ट। अब इसका फेस डायगोनल कौन सा होता है, देखो 1 और 3 के बीच में फेस डायगोनल, फिर 1 और 5 के बीच में भी फेस डायगोनल, या फिर R और 6 के बीच में भी फेस डायगोनल, तो किसी भी फेस डायगोनल के अक्रॉस जोड़ दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ और सेम होगा, ऐसा नहीं कि यहां जोड़ा तो अलग होगा या फिर यहां जोड़ा तो अलग होगा या फिर यहां जोड़ा तो अलग होगा, कहीं नहीं बिल्कुल सेम होगा ना, तो किसी भी अक्रॉस जोड़ दो फॉर्मूला काम कर दो। अब सुनो तो 1 और 3 के अक्रॉस जोड़ते हैं, अब एज में अब क्या है फेस, फेस डायगोनल, अब कौन होगा फेस डायगोनल, और कौन कौन से पॉइंट होंगे 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में। अब सोचिए इस 1 और 3 के बीच में जोड़ा है हमने इसको, इस क्यूब को अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करके इमेजिन करो, कैसे थोड़ा सा टिल्ट मतलब थोड़ा सा घुमा लेना है, तो घुमा कैसे लेना है देखिए, इसका एक बेस ऐसे हो जाएगा, इसका एक बेस जो है ना ये नीचे वाला बेस है, इसका बेस ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट करना है इसको, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेना है, और ये ऊपर वाला साइड इसका, और ये इसका है उसका ऊपर वाला साइड, ठीक है, अब ऐसे बनेंगे इसके वर्टिकल साइड्स। अब देखिए ये बना तुम्हारा क्यूब, बस मैं कर क्या किया है इसको थोड़ा सा टिल्ट करके इमेजिन किया है, और तुम्हें जोड़ना है अलोंग द फेस डायगोनल 1 और 3, तो ये रहा तुम्हारा 1, ये क्या रहा तुम्हारा 1 और ये क्या रहा 3 है ना, इसके अक्रॉस तुमको
जोड़ना है। देखिए तो वन और थ्री को तुमने अगर ऐसे जोड़ दिया है तो ऑफकोर्स यहां चार आया, यहां पे कौन गया, यहां पे तीन गया, वन हाँ वन सॉरी सॉरी यहां पे टू आया, टू हाँ वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। अब फोर के ऊपर कौन है, फोर के ऊपर क्या है, फाइव, फोर के ऊपर है फाइव और थ्री के ऊपर है सिक्स, थ्री के ऊपर कौन है सिक्स, तो ये ऐसे बन जाएगा फाइव सिक्स सेवन, ये क्या है सेवन हाँ और ये क्या हो जाएगा एट। बस इसको थ्री डी में इमेजिन करना है। अब देखिए इस वन और तीन को जोड़ने वाली लाइन ये है, एक और तीन को जोड़ने वाली लाइन ए है, ये वाली ओके। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ऐसे होगा, बराबर है, कैसे होगा ये इस तरह से होगा। अब अगर हम इस ए बी के अलॉन्ग ये जो सर्किट है पूरा, इसको अगर हम इसे नॉर्मली डिवाइड कर देंगे तो इधर का जो नेटवर्क है वैसे किधर होगा, वैसे नेटवर्क उधर होगा। अब सुनिए यहां मैंने ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो निकाला और इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, तो जैसा इधर है वैसा ही उधर दिखाई दे रहा है। अब सुनो यहां गया आई वन, यहां गया I2 और यहां गया I3, तो एग्जैक्टली सेम इधर आएगा I1, इधर आएगा I2 और इधर आएगा I3, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, हाँ इससे ये फर्क पड़ेगा जो I1, ठीक है जो I1 इधर गया, ठीक है जो I1 इधर गया वो पूरा का पूरा I1, वो पूरा का पूरा I1 कहां पे आया, यहां पे आया है ना। दूसरी बात जो I2 यहां से गया, जो I2 यहां से गया वो पूरा का पूरा I2 यहां से आया, जो I3 यहां गया पूरा का पूरा I3 भी यहां पे आया, मतलब ये वाला जो ब्रांच है कौन सा, ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच, इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हां तो इनका कोई रोल है नहीं। सुनो फिर अब देखिए सब आ रहा है, क्या है सारे आ रहा है, देखिए ये आर, ये आर, ये आर और ये भी क्या होंगे आर, अगेन अब यहां नीचे ये आर, ये आर, ये आर और ये भी आर, क्योंकि ये बेस के चार आर और ये टॉप के चार आर और ये बाजू के दो आर, ये आर और ये भी क्या होगा आर। अब सुनिए आर आर टू आर, फिर ये टू आर पैरल, तो टू आर पैरल कितना हो जाएगा, ये आर है ना, क्या हो जाएगा आर। अब सुनो ये एक बार टू आर पैरल तो हुआ आर, फिर ये आर, ये आर और ये आर, थ्री आर कितना हुआ थ्री आर। नाउ लिसन, ये टू आर और ये टू आर पैरेलल तो कितना हुआ आर, तो अल्टीमेटली 3R और R है पैरेलल में, तो आंसर आएगा 3R into R upon 3R plus R, तो आंसर कितना होगा हमारा, आंसर होगा 3R by 4, R आपने सोच लेगा तो ऊपर मतलब 3R और नीचे मतलब 4, तो आएगा आंसर 3R by 4। तो हमारा जो लास्ट वेरिएंट था वो कौन सा था, अलोंग द फेस डायगोनल भी हमने सॉल्व कर लिया है, ऑलराइट। अब सुनिए अब एक बार इसको ध्यान में कैसे रखना है, इसको ध्यान में कैसे रखना है, चलो हमको पता तो है कि एक आंसर जो है वो है 5R by 6, एक आंसर है 7R by 12 और एक आंसर है 3R by 4, हाँ बट इसको हमें किसी भी समय पे अगर ध्यान में रखना है तो कोई तकनीक हमको मालूम होनी चाहिए, तो इसलिए मैं तुमको एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा जो तुमको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, जो तुमको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, देखो इधर चलो हमको याद क्या रखना है, ये जो बॉक्स था, ये जो क्यूब था, ये क्या था, एक बॉक्स था और एक इलेक्ट्रिकल बॉक्स था, क्या था, इलेक्ट्रिकल बॉक्स था जिसके हमने कुछ फॉर्मूले निकाले, क्या निकाले फॉर्मूले, कौन से, एज के अलोंग जोड़ा तो क्या होगा, बॉडी के अलोंग जोड़ा तो क्या होगा, फेस के अलोंग जोड़ा तो क्या होगा, है ना, तो मैं इसको सिंपली लिखता हूं, जो हमने निकाले वो कुछ फॉर्मूले है, क्या है वो फॉर्मूले है, इलेक्ट्रिक फॉर्मूले फॉर बॉक्स, इलेक्ट्रिक फॉर्मूले फॉर बॉक्स। सुनिए एच हर एक में, ठीक है हर एक में क्या था, हर एक में आर आर था कि नहीं, आर आर आर, तुम अगर ध्यान से देखो तो हर आंसर में आर तो है, 7R by 12, 3R by 4, या फिर 5R by 6, सब में आर आर है, तो लिख दो आर आर आर, ठीक है, सब में ऊपर कुछ है और नीचे कुछ है ना, ऊपर कुछ और नीचे कुछ है, ऑलराइट, और ये लाइन तो मैंने निकाल दी। अब सुनिए एज के अलोंग कितना था, एज के अलोंग था 7R by 12, कितना था 7R by 12, फिर इसके अक्रॉस बॉडी डायगोनल कितना था 5R by 6 और फेस था 3R by 4। अब ये करना कैसे है, लिखो मेरे साथ लिखना है, 1 2 3 4 5 6, कैसे लिखा, 1 2 3 4 5 6, 7 बचा, ये आ गया 7। अब देखो क्या हमने सही किया था, हमने सही किया था, हमने सबसे पहले पढ़ा था बॉडी डायगोनल, जो आंसर था 5R by 6 बेटा,
दूसरा हमने दूसरा पढ़ा था एज, उसका आंसर था 7r/12, तो 7r/12। एंड फाइनली जो हमने पढ़ा था फेस के एलॉन्ग होता 3r/4, वो भी आ गया। इसका मतलब है हम ये फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे याद रखना है, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स या फिर इलेक्ट्रिक फॉर्मूला ऑफ बॉक्स, ठीक। आर 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 सब में है, स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट यहां से करना है 1 2 3 4 5 6 और आखिरी में यहां पे 7, दैट्स इट, ओके। तो हमने इस तरह से जो कुछ भी सवाल थे सिमेट्रिक सर्किट्स के वो सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। ऑलराइट, तुमको मिरर सिमेट्री और हां फोल्डिंग सिमेट्री याद रखनी है, जो तुमको हेल्प करेगी बहुत से बड़े सर्किट्स को सिंपलीफाई करने में। चलो आज के लिए हम इतना ही काफी है, और आगे जो भी है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।